I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. दादी श्री मेरा बर्बरीक, मेरा पुत्र। तुझे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। कहां से आ रहा है पुत्र? दादी श्री, गुरु से शिक्षा लेकर आ रहा हूं और हस्तिनापुर जा रहा हूं। सुना है वहां महायुद्ध की तैयारियां हो रही हैं। पता नहीं, महायुद्ध की तैयारियां हो रही हैं या महाविनाश की। महाविनाश? आप ऐसा क्यों कह रही हैं दादी श्री? युद्ध दो ऐसे पक्षों में होता है जो एक दूसरे से अनजान हो, भिन्न हो। जब परिवार के आपस के सदस्य ही लड़ने लगे तो युद्ध नहीं होता, महाविनाश होता है। कुछ भी हो दादी मां, पर इस युद्ध में एक और मेरा अपना कुटुंब है, मेरा अपना वंश है और उसका साथ देना मेरा दायित्व है। जुग जुग जियो मेरे लाल, जुग जुग जियो। तुम्हारी बात सुनकर तो मैं जी उठी। परिवार पर संकट आए तो परिवार की एकता ही उसे बचा सकती है। संकट में कुटुंब के सारे सदस्यों को एक साथ ही रहना चाहिए। दादी श्री, इस परिवार की सदस्य तो आप भी हैं, तो आप अपने परिवार के साथ क्यों नहीं? पुत्र, मैंने तुम्हारे दादाश्री को वचन दिया था कि उनसे विवाह के पश्चात मैं उनके कुटुंब या भवन में प्रवेश नहीं करूंगी। दादी श्री, तो क्या वचन संबंध और नातों से भी बड़ा होता है? हाँ पुत्र, वचन प्राणों से भी अधिक मूल्यवान होता है। वचन का पालन धर्म का पालन होता है। अब तो जा, नहीं तो हस्तिनापुर पहुंचते पहुंचते तुझे बहुत रात हो जाएगी। तो फिर मुझे आशीर्वाद दीजिए दादी श्री। मेरा आशीर्वाद तो हर पल हर युग तेरे साथ है मेरे पुत्र। दादाश्री के लिए कोई संदेश हो तो मुझे दीजिए ना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह संदेश केवल उन्हीं को मिलेगा और किसी को इसकी भनक भी नहीं होगी। चल नटखट, दादी मां से टिटोली करता है। ठीक है, तो जो मेरी समझ में आएगा उसे आपका संदेश बताकर मैं दादाश्री को दे दूंगा। प्रणाम दादी श्री। आयुष्मान भव। विजय भव। माताश्री, ये वो कुरुक्षेत्र का मैदान है जहां युद्ध आरंभ होने वाला है। इस ओर हमारी सेना होगी और उस ओर क्रू सेना। भ्राताश्री। प्रणाम भ्राताश्री। प्रणाम। आओ अनुज सहदेव, कहो क्या समाचार लाए हो? समाचार क्या होगा भ्राताश्री, कौरों की गज और अश्व सेना युद्ध का भरसक अभ्यास कर रही है। दुर्योधन और दुशासन अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। अनुज, युद्ध गज और अश्व नहीं क्या करते,
उन पर सवार योद्धा क्या करते हैं? शक्ति शस्त्रों में नहीं होती, शस्त्र धारण करने वाले हाथों में होती है। तो इसकी भी उनके पास क्या कमी है? केशव नारायणी सेना मिलने के पश्चात उनकी संख्या और भी बढ़ गई है। नकुल, युद्ध का निर्णय संख्या नहीं करती, साहस करता है अनुज, साहस। और ये ना भूलो कि साहस का जन्मदाता सत्य होता है, और सत्य हमारे साथ है, वासुदेव कृष्ण हमारे साथ है। ये सब ठीक है अर्जुन, किंतु युद्ध में शत्रु की शक्ति को कम समझना सबसे बड़ी भूल है। और ये भी ना भूलो कि उनके साथ पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा है। ये सब के सब महारथी हैं और अजय हैं। सामने कौन है उसके विषय में चिंता करना व्यर्थ है मजले भैया। ये युद्ध हम नहीं करना चाहते थे, ये युद्ध तो हम पर थोप दिया गया है। महाराज की जय हो। वीर कुटोत्कच के पुत्र कुमार बरब्रीक आपसे मिलने आए हैं। बरब्रीक, मेरा पुत्र? प्रणाम दादाश्री। आयुष्मान भव पौत्र, अच्छा हुआ तुम आ गए पौत्र। कुछ दिनों से मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए तो मैं आया दादाश्री। अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हारी माताश्री कैसी है? वो सब तो कुशल मंगल से हैं। और अगर आप पड़ोसियों की और वन में पशु पक्षियों की कुशलता जानना चाहते हैं तो वो सभी सकुशल हैं। बस दादी माँ थोड़ी चिंतित रहती हैं। डिम्बा, उसे किस बात की चिंता है? दादाश्री, उन्हें दिन रात एक ही बात की चिंता खाई जाती है कि पता नहीं हमारे दादाश्री को भरपेट भोजन मिलता भी है नहीं। अच्छा, तो दादाश्री के प्यार ने तुझे इतना नटखट बना दिया है कि दादाश्री के साथ भी उपहास करने लगे। चलो आओ, सब लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भ्राताश्री, आपका पौत्र, आशीर्वाद लो। आयुष्मान भव, हम सब तुमको बहुत याद करते हैं। तुम्हारा धनुष तो बहुत अच्छा है पौत्र। दादाश्री, मैं आपका पौत्र हूं और मेरा धनुष आप ही का गांडीव। विजय भवा। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। संकट के समय अधरों पर मुस्कान काली घटाओं में विद्युत की चमक के समान लगती है। आज ऐसा लग रहा है मानो युद्ध नहीं कोई समारोह होने वाला है। समारोह ही हो रहा है केशव, हमारा पौत्र बरब्रीक आया है। आयुष्मान भाव, पराक्रमी भाव, गुरु विजय ने तुम्हें बहुत शीघ्र अवकाश दे दिया वत्स। मेरी शिक्षा पूरी होगी दादाश्री। शिक्षा पूरी हो गई वत्स? ज्ञान और शिक्षा तो आकाश के समान होती है वत्स। कोई अपने धरातल से कितना ही ऊपर उठ जाए, आकाश फिर भी उतना ही दूर दिखाई देता है। ज्ञान और शिक्षा तो उसकी पूरी होती है जो ये जान ले कि वो कितना अज्ञानी और अशिक्षित रह गया है। मेरा यह तात्पर्य नहीं था दादाश्री। तो फिर क्या तात्पर्य था तुम्हारा? दादाश्री, मैं जिस उद्देश्य के साथ गुरुदेव के पास गया था वो उद्देश्य मेरा पूरा हुआ। और उद्देश्य क्या था तुम्हारा वत्स? अपने गुरु से वाण और सिद्धि मंत्र प्राप्त करना, और आपकी दया से दोनों ही गुरुदेव ने मुझे दो दिन पश्चात ही दे दिए। गुरुदेव ने तीन बाण और सिद्धि मंत्र देकर मुझे धनुर्विद्या में निपुण और युद्ध भूमि में अजय बना दिया। दादाश्री, अब मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। गुरु की संगत तो सागर के समान होती है वत्स। उसमें जितनी दूर और जितनी गहराई तक उतरो
उतने ही मूल्यवान मोती हाथ आते हैं। तुम्हें अपने गुरु के चरणों में कुछ दिन और ठहरना चाहिए था। मन तो मेरा भी यही करता था दादाश्री, किंतु जब यह सूचना मिली कि हस्तिनापुर में युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहां चला आया युद्ध में भाग लेने। हां दादाश्री, इन बाणों की मार और सिद्धि मंत्र के चमत्कार दिखाने का, इससे अच्छा अवसर और कहां मिलेगा। युद्ध में दोनों ओर से तुम्हारे अपने सगे संबंधी हैं वत्स। अच्छा ये बताओ कि तुम किस पक्ष की ओर से युद्ध करोगे। ये सत्य है दादाश्री कि कौरव भी मेरे अपने हैं, मेरे आदर के पात्र हैं, किंतु मैं पांडवों का वंशज हूं, इसलिए मेरा उनके साथ मिलकर युद्ध करना स्वाभाविक है। तो तुम हमारे साथ मिलकर युद्ध करोगे। अवश्य करूंगा, और उस समय तक करूंगा जब तक मेरे गुरु के आदेश और मेरे वचन का उल्लंघन नहीं होता। कैसा आदेश और कैसा वचन वत्स? दादाश्री, मेरे गुरु का आदेश है कि युद्ध भूमि में किसी भी शक्तिशाली के आगे दुर्बल पड़ने वाले का साथ दो, और मैंने उन्हें वचन दिया कि मैं ऐसा ही करूंगा। चाहे शक्तिशाली सत्य और दुर्बल असत्य की ओर ही क्यों ना हो। सत्य और असत्य का ज्ञान मुझे नहीं है दादाश्री, और ना ही मेरे गुरु ने इस विषय में मेरा कोई मार्गदर्शन किया है। अर्थात तुम बीच धारा में भी नाव बदल सकते हो। दादाश्री, इसका निर्णय तो धारा का प्रवाही करेगा। दूसरे शब्दों में तुम ये कहना चाहते हो वत्स कि यदि युद्ध चलते तुम्हें आभास हो कि कौरव हमारे सामने दुर्बल पड़ रहे हैं, तो तुम अपना वंश छोड़कर उनसे जा मिलोगे। यदि ऐसा हुआ तो मुझे यही करना पड़ेगा दादाश्री। क्या कहा तुमने पुत्र? तुम हमारे शत्रु का साथ दोगे? दादाश्री, यदि वो दुर्बल पड़ने लगे तो यह कैसे हो सकता है? ये तो रणनीति के बिल्कुल विरुद्ध होगा। किंतु गुरु के आदेश और मेरे वचन के बिल्कुल अनुकूल होगा। तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? इससे कई अच्छा होगा कि तुम युद्ध ना करो। दादाश्री, ये कैसे संभव है? मेरे वंश वाले, मेरे वरिष्ठ प्राण हथेली पर लेकर लड़ रहे हो, और मैं खड़ा चुपचाप देखता रहूं? ये कदापि नहीं हो सकता। मैं आप सबके साथ मिलकर लड़ूंगा। किंतु यदि तुम अपने वान और सिद्धि मंत्र लेकर कौरों से जा मिले तो हमारा क्या होगा पौत्र? दादाश्री, मुझे इस बात का दुख है कि मेरे पास आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, सिवाय इसके कि मैं वचनबद्ध हूं। क्या कहा पौत्र? गुरु का आदेश, तुम्हारा वचन, ये सब क्या लगा रखा तुमने? क्या गुरु के आदेश और अपने वचन की धुन में अपने कुल का सर्वनाश करना चाहते हो? क्या तुम्हारा गुरु हमसे और हमारे संबंध से भी बड़ा है बरब्रीक? ये तुम क्या कह रहे हो अनुज भीम? आवेश में आकर ये ना भूलो कि गुरु का स्थान संसार में श्रेष्ठ है। गुरु के आदेश का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। याद है ना तुम्हें, द्रुपद से तो कोई हमारी शत्रुता ना थी, फिर भी गुरु के आदेश पर हमें उनसे युद्ध करना ही पड़ा था, और हम उन्हें अपराधियों की भांति बांध कर लाए थे। वो तो ठीक है भ्राताश्री। वो ठीक है तो बर्बरी का कथन भी ठीक है। भाग्य के लेख को मानव की दुर्बल उंगलियां नहीं मिटा सकती अनुज। बर्बरिक अपने गुरु के आदेश और अपने वचन का पालन करने के लिए मुक्त है। बर्बरिक सा विश्व में कोई नहीं बलवान, वंश बचाए या वचन, दुविधा में है प्राण, दुविधा में है प्राण। ये युद्ध आरंभ क्यों नहीं हो रहा? वातावरण इतना शांत क्यों है?
ऐसे शांत वातावरण में तो मेरा दम घुटा जा रहा है मित्र। समुद्र में तूफान आने से पहले समुद्र भी इतना ही शांत हो जाता है मित्र दुर्योधन। इस शांति से इतना विचलित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये शांति एक भयंकर तूफान के आने से पहले की शांति है। घबराओ नहीं मित्र, युद्ध की ज्वाला को भड़का देने वाली चिंगारी किसी भी पल फूट सकती है। क्या समाचार लाए हो अनुज? भ्राताश्री, समाचार मिला है कि भीम का पौत्र मौर्य पुत्र बर्बरिक भी युद्ध में भाग लेने के लिए आ पहुंचा। क्या सुना तुमने मित्र? क्या पांडवों में युद्ध के कारण इतनी सनसनी फैल गई है कि वे अपनी संख्या बढ़ाने के लिए छोटे छोटे बालकों को अपनी सेना में भर्ती कर रहे हैं? उनकी बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं होगी अनुज? क्या वे युद्ध की वेदी पर नवजात शिशुओं की बलि चढ़ाएंगे जिन्होंने ठीक से अपने जीवन का आरंभ तक नहीं किया? नहीं, नहीं मित्र, महाबली की सौगंध दुर्योधन की लड़ाई पांडवों से है, उनके परिवार के शिशुओं से नहीं। मित्र दुर्योधन, युद्ध में केवल दो ही पक्ष होते हैं, एक अपना, दूसरा शत्रु का। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं, उनमें कोई छोटा या बड़ा शिशु या युवक नहीं होता, केवल योद्धा होते हैं। तुम ठीक कह रहे हो मित्र, परंतु आज भी यदि पांडवों का कोई भी सदस्य शीश झुकाकर मेरे समक्ष आएगा तो मैं उसे गले लगा लूंगा। किंतु यदि कोई शत्रु बनकर दुर्योधन के समक्ष आया तो महाबली की सौगंध दुर्योधन उसका सर धड़ से अलग करने में कदापि संकोच नहीं करेगा, चाहे वो नवजात शिशु ही क्यों ना हो। अनुज, बर्बरिक मेरा भी पौत्र है, किंतु यदि वो कौरवों से युद्ध करने आया तो उसका भी वही परिणाम होगा जो दुर्योधन के समक्ष आने वाले किसी शत्रु का होगा। किंतु भ्राताश्री, बर्बरिक केवल भीमसेन और हिडिंबा का पौत्र ही नहीं, घटोत्कच और मौर्विक का पुत्र भी है, और उनके वंश का एक अंश मायावी है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। और भ्राताश्री, मैंने ये भी सुना है कि स्वयं बर्बरिक बहुत शक्तिशाली है। वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो अनुज, दुर्योधन को उसकी कोई चिंता नहीं। झंझावात या आंधी कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु पर्वत पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता।